हाय गाइस, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो इस लाल बटन को भी ज़रूर दबाना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ताकि आप मेरी हर नई वीडियो पे नोटिफाई हो क्या पाओ। हाल है दोस्तों, वेलकम टू माय YouTube चैनल डेन के। मेरा नाम है डेनिस और आज हम बात करेंगे महिंद्रा XUV 500 इलेक्ट्रिक के बारे में। जी हाँ, महिंद्रा XUV 500 इलेक्ट्रिक ऑटो एक्सपो 2020 पे डिस्प्ले पे आने वाली है महिंद्रा XUV इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट। और महिंद्रा ने टीज करी है ये कार, और इसका डिज़ाइन जो हो सकता है वो सिमिलर हो सकता है 2020 महिंद्रा XUV 500 के साथ, जो कि पेट्रोल और डीजल वेरिएंट्स में आएगी। तो ये ही नहीं, महिंद्रा ने और भी अपनी कार्स रिलीज करी है, जैसे कि KUV 100 इलेक्ट्रिक, XUV 300 इलेक्ट्रिक। मगर जो मेन मैंने आपसे बात करनी थी वो थी 2020 महिंद्रा XUV 500 इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में ही उसकी एक टीज़र इमेज दिखाऊंगा स्क्रीन पे आपके सामने ही, जिससे आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। तो ये जो मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूँ ये है इंडियन ऑटोज ब्लॉग का एंड रिटन बाय प्रशांत सिंह। तो जो इंडियन ऑटो ब्लॉग में राइटर हैं उनका ये कहना है कि जो अब नेक्स्ट जनरेशन महिंद्रा जो महिंद्रा थार जो टेस्ट हो रही है वो शायद से इस ऑटो एक्सपो को स्किप करेगी, बट द नेक्स्ट जनरेशन महिंद्रा XUV 500 इज कमिंग टू द शो। मतलब कि जो अब इस ईयर लॉन्च होने वाली है महिंद्रा XUV 500 वो ऑटो एक्सपो पे आएगी, मगर उसका जो मॉडल होएगा वो होएगा प्योर इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट में। प्रोडक्शन मॉडल नहीं होएगा, कॉन्सेप्ट मॉडल होएगा। तो जो टीज़र इमेज है मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ उसकी टीज़र इमेज, पहले हम थोड़ी बहुत बात कर लें। तो पहले हम थोड़ा बहुत इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो एक्सपेक्टेड फीचर्स हैं फॉर द प्रोडक्शन मॉडल ऑफ द अपकमिंग महिंद्रा XUV 500। तो जो इनका इंडियन ऑटो ब्लॉग का कहना है वो ये है, इट विल बी किटेड विद ऑटोमेटिक LED हेडलैम्प्स, LED टेल लाइट्स, फ्लश डोर हैंडल्स, मतलब जो अंदर से बाहर निकल के आते हैं जैसे कि हमने रेंज रोवर्स में देखे हैं वैसे टाइप के डोर हैंडल्स, वो चीता इंस्पायर्ड वाले नहीं होंगे अब, 18-inch अलॉय व्हील्स एंड मच मोर। What's noticeable from the teaser image is that the XUV 500 electric will feature sleeker high set LED headlamps as seen on the all modern SUVs. तो चलिए अब मैं आपको इसका थोड़ा बहुत टीज़र दिखा देता हूँ, मगर एक और चीज़ लिखी है यहाँ पर, spy images have revealed that on the inside, मतलब कि अंदर कार के, 2020 महिंद्रा XUV 500 will feature a completely redesigned dashboard layout with a large floating type infotainment touchscreen placed centrally on the dash. Moreover, it will also use a new 3-spoke flat bottom steering wheel. A fully digital instrument cluster is also expected. मतलब कि जो उसका स्पीडोमीटर होता है, टैकोमीटर होता है, वो फुली डिजिटल होएगा, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। चलिए अब मैं मूव ऑन करता हूँ फोटो पे। तो अब मैं अपने इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ पहले। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो चुकी है ऑन और ये खोली हमने इमेज, इसको फुल व्यू में करें एंड ये देखिए ये है कॉन्सेप्ट का टीज़र इमेज। तो जैसे कि अब आप देख पाएंगे यहाँ पर ये स्लीकर LED हेडलाइट्स दिख रही है इसमें फॉर द इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट। ये मैं फिर से आपको बता दूँ, ये कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्शन मॉडल नहीं और ये इलेक्ट्रिक मॉडल है, नॉर्मल मॉडल नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 3 LED बार्स आपको दिख रहे हैं और स्लीक सा डिज़ाइन है इनका। साथ ही साथ आपको महिंद्रा की ऑलमोस्ट जो हर कार में यूज़ होती है ग्रिल, वो देखने को मिलती है विद 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्लैट्स और बीच में महिंद्रा का लोगो, जो कि मुझे लगता है ग्लोइंग लोगो होएगा जिसमें लाइट लगी होगी। और नीचे आप देख सकते हैं ये बड़ा सा एयर डैम है जिसमें आपको फिर से 3 LED बार्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लुक दे रहे हैं। और कॉन्सेप्ट में जो ये व्हील्स नज़र आ रहे हैं ये भी बहुत बड़े साइज़ के लग रहे हैं, बट आई डोंट नो द एग्जैक्ट साइज़ के इसमें साइज़ कौन सा होएगा, मगर जो इस टाइम कार की लुक आ रही है वो बहुत ही अमेजिंग है। आई मीन माई माइंड इज़ ब्लोन कि इतनी अच्छी कार लग रही है, मगर स्टिल ये कॉन्सेप्ट मॉडल होगी, प्रोडक्शन मॉडल का अभी भी श्योर नहीं है कैसी दिख सकती है कैसी नहीं। क्या पता महिंद्रा बिल्कुल एज द सेम एज कॉन्सेप्ट मॉडल ही निकाल सकती है, मगर अभी कुछ श्योर नहीं है। वी विल गेट टू नो अबाउट इट एट द ऑटो एक्सपो विच स्टार्ट्स फ्रॉम 5th February। सो गाइस, स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस, क्योंकि ऑटो एक्सपो आने वाला है, मैं उस पर भी काफ़ी वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। तो
Make sure to subscribe and also hit the bell icon so you can get notified on my every single latest video. So till my next video guys, bye bye.